हर माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं। इस बार यह अष्टमी कब है, आइए पंडित जी से जानते हैं। जी, जिस प्रकार प्रत्येक के समय अपन देखते हैं कि हर माह में मासिक संक्रांति आती है, मासिक शिवरात्रि आती है, उसी प्रकार बहुत कम लोग जानते हैं कि अष्टमी भी आती है, जो कि दुर्गा जी के निमित्त होता है। यह हर माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी कहते हैं और उस दिन भगवती देवी दुर्गा का पूजन करना चाहिए और देवी को सुंदर वस्त्र आदि आदि आभूषणों से उनका श्रृंगार आदि कर करके भगवान का पूजन, देवी का, भगवती का पूजन करना चाहिए। उस पूजन करने से देवी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को धन धान तथा शत्रुओं से उसकी रक्षा करती है, परिवार की रक्षा करती है तथा परिवार में सुख समृद्धि आदि का वास रहता है। तथा जिस प्रकार प्रत्येक बार माता देवी ने धरती की रक्षा की है, मानव की रक्षा की है, अपनी संतान की रक्षा की है, उसी प्रकार देवी से प्रार्थना करना चाहिए कि आप हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारे घर की रक्षा करें, हमारे कार्य क्षेत्र व्यापार की आदि की रक्षा करें। इस प्रकार इस देवी अष्टमी का, दुर्गा अष्टमी का व्रत भी करते हैं, कई लोग व्रत करते हैं तथा इसका विधान भी कहा गया है। दुर्गा अष्टमी के दिन जब भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी आवे उस दिन सूर्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर करके भगवती देवी को इस पंचामृत आदि से स्नान करवाकर सुंदर वस्त्र आदि 16 श्रृंगार की सौभाग्य वस्तुएं अर्पित करना चाहिए और भगवती को जो भी कुछ श्रद्धा अनुसार भगवान को प्रेम से अर्पित किया जाए वो भोग लगाना चाहिए। भोग लगा करके धूप दीप 16 उपचार आदि से भगवती का पूजन कर करके ये कामना करना चाहिए कि हे देवी, जिस प्रकार आपने बारम्बार मानव की रक्षा की उसी प्रकार आप हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारे घर की रक्षा करें, हमारे सौभाग्य की रक्षा करें तथा हमारे सुहाग को लंबी उम्र देवे, इस प्रकार का भगवती से प्रार्थना करना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत किया जाता है। इस बार यह शुक्ल पक्ष की अष्टमी 11 सितंबर को आ रही है। इस दिन व्रत करने से जो जातक इस दिन व्रत करता है वह उसके यहाँ पर धन धान की आदि की वृद्धि होती है तथा उसके समस्त प्रकार के विकार दूर होते हैं तथा उसकी मनोकामना अनेक प्रकार से पूरी होती है।